ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির যৌথ উদ্যোগে ভূমিকম্প মোকাবিলার উপর একটি রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত হতে চলেছে। সেই মোতাবেক আগামী 21শে ডিসেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার 6টি ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে মক ড্রিল। এ 6টি স্থান হল রাজধানীর IGM হাসপাতাল, বৌদ্ধনগর IOCI বটলিং প্ল্যান্ট, জেলানিয়া টারাটোনা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, মোহনপুরের জৌহর নবোদয় বিদ্যালয়, হেজামারা VDO অফিস এবং হেজামারা RD ব্লকের অন্তর্গত সুবল সিং এরিয়া। মঙ্গলবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মক ড্রিলের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শাসক বিশাল কুমার। সবাই কা বহুত বহুত ধন্যবাদ করতে হবে, আপ লোক ইতনে শর্ট নোটিস পে আয়ে আর জেসে মে এক জানকারি দেনা চাহতা হুম আপকো কি ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি NDMA जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है पूरे हमारी कंट्री में जो डिज़ास्टर या आपदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और ट्रेनिंग और उस पर रिसर्च करने के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे स्टेट में आए हुए हैं। आज उनके रिप्रेजेंटेटिव से हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने बताया कि त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेटअप है वो डिज़ास्टर के रिलेटेड जो ट्रेनिंग है या जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें काफ़ी सीरियसनेस के साथ पार्टिसिपेट करता है और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बहुत अच्छा है। तो उनकी गाइडेंस में हम 21 दिसंबर 2023 को 6 लोकेशंस पे मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल में हम लोग 6 लोकेशंस पे हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे 21 तारीख को। इसमें मॉक ड्रिल के दौरान देखा जाता है कि जो भी डिज़ास्टर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे DM ऑफिस है या जो अस्पताल हैं अथवा जो हमारा फायर सर्विस है, पुलिस की सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, हमारी प्रिपेयरनेस को जाँच की जाती है। और जो ऑब्जर्वर हैं जो इस केस में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस पे अपना कमेंट्स देते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से आम जनता को ये ज्ञान करना चाहता हूँ कि ये जो 6 जगहों पे लोकेशंस पे मॉक एक्सरसाइज होगी इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह का रेगुलर प्रैक्टिस है जो हर साल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है और इसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे त्रिपुरा में नहीं, अगर नहीं ये सिर्फ हमारी वेस्ट त्रिपुरा सदर, इसमें सर 4 आपने मेंशन किया और बाकी 2 6 हैं। एक सदर में IGM हॉस्पिटल, जिरानिया में IOCL बॉटलिंग प्लांट बौद्धनगर, जिरानिया में टोला कोना रेजिडेंशियल एरिया, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनपुर में, BDO ऑफिस हैजामेरा मोहनपुर में और सुबल सिंह एरिया है जहाँ मेरा RD ब्लॉक में। सुबल सिंह पार्ट है जगह। এদিন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলন শেষে আরও একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন জেলা শাসক। পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে আলোচনা করেন জেলা শাসক বিশাল কুমার। তিনি বলেন, এই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় 17টি কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং তার সমপরিমাণ রাজ্যস্তরীয় প্রকল্পগুলোর লাভ প্রদান করা হচ্ছে জনগণকে। এ যাত্রায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারের উদ্যোগে যে শিবিরগুলো সংগঠিত হচ্ছে সেই শিবিরগুলোতে হাজারের অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে সরকারি প্রকল্পগুলো লাভ নিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যের মোট 84টি স্থানে আয়োজন করা হয়েছে এই শিবিরের, যেগুলোর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় 88,154 জন মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे सर्टिफिकेट इशू करना हो या बैंक लोन देना हो या आयुष्मान भारत कार्ड इशू करना हो या हेल्थ केयर प्रोवाइड करना हो या TB या सिकल सेल एनीमिया की जांच करनी हो, इस तरह के कम से कम 17 नेशनल प्रोग्राम और उतने ही स्टेट लेवल के प्रोग्राम हम लोगों ने सर्विसेज हम लोग अपने आम जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें बड़ा ही एंथुजियास्टिक सपोर्ट भी मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कैंप्स में आ रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि प्रति हर कैंप में लगभग 1,000 से 1,200 लोग मिनिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है।
हमने इस दौरान देखा है कि टोटल इन 84 लोकेशंस पे लगभग 88,154 लोगों ने अब किसी ना किसी सर्विस को यूज़ किया है और लगभग 24,000 लोगों ने हेल्थ कैंप्स में अपनी नेसेसरी दवाइयां अथवा जांचें करवाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर ई न्यूज़।